गांधी जयंती के अवसर पर अपना परिवार सामाजिक संगठन की ओर से एक निजी होटल में एक शाम हिंदुस्तान के नाम से कार्यक्रम किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। और वहीं संगठन की ओर से कोरोना काल में कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर JK 24x7 न्यूज के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगठन के संरक्षक BL बेहल ने कहा कि अपना परिवार एक ऐसा संगठन है जो राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करता है और गरीबों के लिए कार्य करता है। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट ने बताया कि कोरोना काल में हमारे पत्रकार, डॉक्टर और संगठन के लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्य किया है। आज उनको सम्मानित किया गया है और तीसरी लहर को देखते हुए सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अपना परिवार इतना बड़ा परिवार है कि इसमें आपका देखना मुश्किल भी, कौन कौन नहीं है, कौन कौन कहाँ है, कैसे हैं। एक आवाज़ लगाते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पर कि एक बार कहने के लिए ये देखिए ये दबेंगे, इसकी ज़रूरत है, 10 लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपने परिवार का एक ऐसा इंप्रेशन है, ऐसा कि हर एक कोई चाहता है कि हम भी इनके सदस्य बने, हम भी इनका साथ दें और हम भी आगे जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके देश की सेवा की है। बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए और उनका सम्मान और भी अधिक होना चाहिए। अभी कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको हमने नहीं बुला पाए हैं, अगली बार हम उनको भी आगे सम्मानित करेंगे और ऐसे सबको उत्साह बनाएंगे ताकि और आगे बढ़ें और आगे अच्छे अच्छे कार्य करें। हमने कोरोना में जो डॉक्टर्स हैं, आपने पुलिस के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं और समाज के स्वयंसेवी संस्थाएँ जो हैं, इनको हम लोगों ने इसमें चुने हैं। हम लोग जो गणमान्य हैं जिन्होंने बहुत कोरोना काल में कार्य किया। देखिए, अपना परिवार तो लगातार इस तरह की तैयारी कर ही रहा है और सरकार भी लगातार, हम लोग, हमारा जो एक मेन मुद्दा है वो जागरूकता है। हम समाज को जागरूकता है, जिस तरह से आपने तीसरी लहर की बात करी है, तो एक आम जनमानस जो है, जो सुबह अपने रोजी के लिए निकल जाता है, रात को निकलता है, बस्तियों के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन पे साधन संपन्न लोग नहीं है, उन पे भी पहुँच पाते, क्योंकि अगर बीमारी किसी एक को पहुँचेगी तो पॉश एरिया में भी जाएगी। तो हम लोग जो गरीब बस्तियों के एरिया, उसमें हम लोग जागरूकता कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कीप डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग करिए, ये करिए। आज तो आपको लग रहा होगा हौज हो रखा, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा केमिकल लगा रखा है जो है, जो काफ़ी महंगा होता है, जो हम लगाते हैं तो वो पूरे 24 घंटे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वही हम लोग तीसरी लहर में भी हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे आने वाले जनरेशन, अपना परिवार, आने वाली जनरेशन, जो छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए ज़्यादा प्रयास। अपना परिवार एक सामाजिक संगठन है और काफ़ी अच्छा काम करता है। कोरोना काल में भी इसने बहुत सारे अच्छे उल्लेखनीय काम किए, गरीब लोगों की मदद की, बहुत बार ऐसे लोगों की भी मदद की जो गरीब नहीं थे, लेकिन आपने देखा होगा कि उस समय पूरा जो है समाज एक तरह से क्लोज हो गया था, बंद हो गया था और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कानूनी तौर पे, तो उसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी बहुत सारी सामान्य चीज़ें भी नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे समय में अपना परिवार या इस तरह के तमाम सामाजिक संगठनों ने अपना जो रोल है उसे बहुत ही ईमानदारी से निभाया और लोगों को मदद पहुंचाई। और हमको जो सम्मानित किया, एक पत्रकार के तौर पे हमने जो सेवा दी, हम लोगों ने कोई वैसी मदद नहीं की, लेकिन हमने एक पत्रकार के तौर पे जो हमारा दायित्व है, यानी कि सूचनाओं से लोगों को अवगत कराते रहना, वो हमने उस समय भी किया और कोशिश किया कि जो है प्रॉपर सूचनाएं लोगों को मिलती रहें, क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय सूचनाओं का कितना महत्व था, उस समय जब लॉकडाउन से देश रूबरू हो रहा था और लोगों को पता नहीं था कि लॉकडाउन क्या होता है, कितना सख्त होता है। तो हमने भी कोशिश की अपनी टीम के साथ, और इस पुरस्कार का सारा श्रेय हमारी टीम और हमारे चैनल को जाता है, जिसने हमें अवसर दिया कि हम एक इंसान के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर सके और देश और समाज को तमाम सूचनाओं से अवगत करा सके। तो अच्छा लगा मुझे और धन्यवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जो उनकी ज्यूरी मेंबर थे, कमेटी थी, जिन्होंने हमारा नाम सिलेक्ट किया इस पुरस्कार के लिए। पुरस्कार क्या होता है, एक सम्मान होता है और ये सम्मान जो है एक जिम्मेदारी के भाव को और मजबूत करता है, बढ़ाता है, हमें प्रोत्साहन देता है कि इस तरह के काम को और मेहनत और ईमानदारी से किया जा सके। अपना परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोरोना काल में इसने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं एज ए चिकित्सक, मैंने कई बार इनके लोगों को, मैंने कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशानी के समय में कई बार लोग साइकोलॉजिकली बहुत परेशान थे, तो कई बार हमने ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स किए
और हेल्प की। खुद जो संजय श्रीवास्तव जी हैं वो खुद कोरोना से पीड़ित थे और मैंने उन्हें समझाया जब कोविड का पहली लहर थी उस समय लोग कोरोना के बारे में बहुत डरे हुए थे और ऐसी स्थिति में हमने समझाने का प्रयास किया कि कोविड से आप ना डरिए और बिल्कुल आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दिए। इस प्रकार से हमने बहुत सारे अपना परिवार के मेंबर्स को मदद करी तो हम अपना परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स को पहचाना कोविड के एक समय में और कोविड कोरोना वॉरियर जैसा एक सम्मान दिया। कोरोना काल में डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहा और अच्छा लगता है जब समाज उस योगदान को रिकॉग्नाइज करता है और अपना परिवार बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और प्रतिवर्ष वो इस तरीके के आयोजन करते रहे हैं। पिछले 2 सालों में पूरा देश कोरोना से ग्रसित रहा और एज अ लेडी डॉक्टर हमने बहुत तरीके से जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी कोरोना काल में मदद करने की कोशिश की और अच्छा लग रहा है कि समाज उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने कोरोना योद्धा के लिए जो हमें मान सम्मान दिया है उसके लिए पूरा अपना परिवार को धन्यवाद व्यक्त आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना काल में अपना परिवार ने बहुत जैसे लोगों को मास्क सैनिटाइजर ऑक्सीजन वगैरह बहुत उपलब्ध कराए। इन्होंने बस्तियों में जा जा के इन्होंने लोगों को बहुत सपोर्ट किया। लोगों के लिए जो जिनको खाने के लिए भी नहीं था उस कोरोना महामारी जैसे चल रही थी उसमें इन्होंने लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत ही अच्छा प्रयास था इनका अपना परिवार का और जो कोरोना ने जो हमें दिन दिखाए हैं डेफिनेटली मैं चाहूँगा भगवान कभी ऐसे दिन ना दिखाएं। बहुत मुश्किल समय था हम सब लोगों के लिए लेकिन जिस समय समाज के जो डिफरेंट जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आगे निकल के आए उन्होंने मदद की है। एज ए डॉक्टर तो हमारा फर्ज बनता था कि हम लोग मेन उसमें सोल्जर्स थे लड़ने के लिए लेकिन जो भी जितनी भी सामाजिक संस्थाओं ने काम किया है और आज उनको रिकॉग्नाइज किया गया अपना परिवार द्वारा ये बहुत अच्छा काम है। बस इससे लोगों की हिम्मत बढ़ती है और आगे और मदद करने की उनकी वो लोग आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट अनंत समाचार।